हम सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अरुण साहू जी विराजमान है। एक बार तालियों के साथ पार्टी महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। वो अपने दिल में वो बात लेकर आए हैं जो आपके दिल में है, इसलिए उनका आप स्वागत करें। आप तालियों से ये सूचना उन तक पहुंचाएं कि उनके दिल की जो धड़कन है वो आपके दिल के धड़कनों के साथ मिलता है। सुशांत कुमार बड़े कवि हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सुनिए ना आपने, ये पीर जो है ये पर्वत सी हो गई है, इसको पिघलना चाहिए, यहाँ से कोई गंगा निकलनी चाहिए। वो गंगा कहाँ से निकलेगी? तो आदरणीय अध्यक्ष जी के मुखार वृंद से निकलेगी, इसमें संशय नहीं है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, पूरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आंदोलनकारी सभी साथी आज के मंच पर हम सब के बीच में आदरणीय ओपी चौधरी जी, आदरणीय भूपेंद्र सबन्नी जी, हम सब के नेता भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश के उपाध्यक्ष और आदरणीय पूर्व मंत्री केदार कश्यप जी, आदरणीय विकास मरकाम जी, आदरणीय अमरजीत छाबड़ा जी, आदरणीय रामू रोहरा जी, सभी साथीगण विराजमान हैं। हम सब आपके इस पीड़ा में सहभागी बनने आए हैं, आपके साथ आपके दर्द को महसूस करने आए हैं। हम लोगों ने भी सरकार के साथ दो दो हाथ किए हैं और हमने भी 12 12 15 15 एफआईआर के दर्द झेले हैं। मेरे दोस्तों, इस सरकार ने फर्जी एफआईआर करने और लोगों को दबाने के सिवा कुछ नहीं किया। ये सरकार ये सोचती है कि कैसे भी करके इसकी बात चलनी चाहिए और सबको चुपचाप इसकी बात सुननी चाहिए, ये सरकार सोच कर बैठी है। आपके ऊपर भी ऐसे कानून लगाए गए कि आपको नौकरी से निकाला जाएगा, ऐसा सब कहा गया है। अरे ये मंच है, भाजपा के नेता विराजमान है, देखते हैं कौन किसको नौकरी से निकालता है, देखते हैं कौन किसको नौकरी। तुम्हारे नौकरी रखने के 5 साल खत्म हो गए, अब तुमको नौकरी में रखना है कि नहीं, इसको ये जनता डिसाइड करने वाली है। ये जनता डिसाइड करने वाली है। अब ये सरकार नौकरी में रहेगी कि नहीं रहेगी, ये हम डिसाइड करेंगे, ये सारे अनियमित कर्मचारी साथी मिलकर डिसाइड करेंगे। मेरे दोस्त, मैं आपके बीच में सिर्फ ये कहने आया हूं, आपकी संघर्ष की पराकाष्ठा, आपके इस सामर्थ्य को मैं प्रणाम करता हूं भैया, मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। जिस तरीके से आपने सरकार से ही लड़ाई शुरू की है, और कारण बहुत स्पष्ट है, 4.5 साल पहले जब सरकार बनी थी चुनाव आया था तो उन्होंने घोषणा पत्र में सारे वादे किए थे, 36 में से एक वादा पूरा नहीं किया। पूरी तरीके से इस सरकार ने एक वादा पूरा नहीं किया, सभी किसानों का पूरा कर्जा माफ नहीं किया, 2 साल का बोनस नहीं दिया, नौजवानों का बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, बुजुर्गों से कहा कि 1500-1000 रुपया देंगे नहीं दिया, माताओं बहनों से कहा कि प्रतिमाह 500 रुपया देंगे नहीं दिया, प्रति एक साल में 4 फ्री का सिलेंडर देंगे कहा नहीं दिया, प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया, तेंदुपत्ता का बोनस नहीं दिया, और जाने ऐसे कितनी चीजें हैं। 36 में से कोई एक वादा भी यह सरकार पूरा नहीं कर पाई, एक वादा यह सरकार पूरा नहीं कर पाई। और भाजपा की सरकारों ने क्या किया है यह हम अध्यक्ष जी से सुनेंगे। मैं आपके और अध्यक्ष जी के बीच में और ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपके सामर्थ्य को, आपके संघर्ष को बार बार प्रणाम करते हुए आए हुए समूचे मंच की तरफ से आश्वासन आपको देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।